दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में परचेज रिटर्न का वाउचर किस प्रकार से तैयार करते हैं। तो दोस्तों, परचेज रिटर्न हमें तैयार करने की नौबत तब आती है जब हम हमारे सप्लायर से कोई गुड्स हम परचेज करते हैं और कोई प्रोडक्ट खराबी होने के कारण या एक्सपायर होने के कारण या कुछ भी कमी के कारण अगर हमें उस प्रोडक्ट को कंपनी को वापस रिटर्न करना पड़े तब हमें परचेज रिटर्न यानी कि डेबिट नोट बनाने की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, जब हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में डेबिट नोट क्रिएट करेंगे, डेबिट नोट का वाउचर हम तैयार करेंगे, तो क्या डेबिट नोट के अंदर जो हमारा वाउचर नंबर जो दिया जाएगा वो हमारी तरफ से जो डेबिट नोट नंबर का जो वाउचर होगा वो नंबर हमें डालना होगा, या फिर जो हमें हमारे सप्लायर की तरफ से जो क्रेडिट नोट हमें मिलेगा उस क्रेडिट नोट के ऊपर जो नंबर दिया होगा, क्रेडिट नोट का नंबर, क्या वो हमारा ओरिजिनल वाउचर नंबर रहेगा? तो आज की इस वीडियो में दोस्तों ये सारी बातें प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे भी हमें टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में परचेज रिटर्न का डेबिट नोट वाउचर बनाते वक्त हमें कौन कौन से लेजर क्रिएट करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है एक नए अकाउंटेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर जब भी वो किसी कंपनी में एज ए अकाउंटेंट की पोस्ट पे वर्क करेगा तो इस टाइप की एंट्री उसको करनी पड़ सकती है। तो वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, साथ पर ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि हमारी टेली प्राइम सॉफ्टवेयर और बिजी काउंटिंग सॉफ्टवेयर की जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम हमारी बुक्स की जो ट्रांजैक्शन हमने कर रखी है उसको ओपन कर लेते हैं। डे बुक पर हम जाएंगे, F2 के साथ हम टोटल पीरियड को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आप देख रहे हो हमारे पास एक ये कॉन्ट्रा रिसिप्ट और ये परचेज वाउचर का भी वाउचर हमारे पास पोस्ट किया हुआ है, जिसकी वैल्यू है 48,675 रुपये की। और ये जो इन्वॉइस है हमारे सप्लायर्स के द्वारा जो हमें दिया गया था, ये वो टैक्स इन्वॉइस है और इसकी वैल्यू भी 48,675 रुपये की है। अब इसी ये जो प्रोडक्ट हमने परचेज किया था, इन्हीं प्रोडक्ट्स में हमने कुछ प्रोडक्ट कंपनी को वापस रिटर्न कर दिया, जिसके अगेंस्ट में हमें हमारे सप्लायर्स के द्वारा ये क्रेडिट नोट हमें मिल गया। तो अब इस क्रेडिट नोट की एंट्री हमें टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में करनी है, वो कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम वापस बैक आएंगे, वाउचर पर आएंगे और डेबिट नोट हम सिलेक्ट करेंगे। तो डेबिट नोट का शॉर्टकट Alt F5 हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप F10 पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे देंगे सारे क्रेडिट नोट के, डेबिट नोट के और उनके शॉर्टकट की। तो आप देख रहे हो डेबिट नोट का Alt+F5, चाहे तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट हम कर सकते हैं। तो जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने ये डेबिट नोट का वाउचर ओपन हो जाएगा। तो अगर आपके पास में कुछ इस तरीके का अगर डेबिट नोट ओपन ना हो तो आप यहाँ से चेंज मोड में भी जाके इसको चेंज कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास इस तरीके का डेबिट नोट आ रहा है, यहाँ पर आपके पास कोई पार्टी का नाम नहीं है, कोई स्टॉक आइटम आपको यहाँ पर कोई शो नहीं हो रहा है ऑप्शन उसका, तो यहाँ से आप Ctrl+H के साथ इसका शॉर्टकट यूज करके आइटम इनवॉइस पर हम जा सकते हैं। तो अब हमारा डेबिट नोट हम इश्यू कर रहे हैं तो हमारी बुक्स का हम डेबिट नोट डालेंगे एक नंबर और उसके बाद में जो वाउचर की डेट है वो 26 अगस्त 2021। तो हम यहाँ पर डेट F2 के साथ 26/8 हम कर देंगे और उसके बाद में पार्टी काउंट नेम, तो पार्टी काउंट यानी कि बालाजी ट्रेडर्स को हम रिटर्न कर रहे हैं। और उसके बाद में नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम में हमने माउस विद वायर को वापस किया हुआ है, क्वांटिटी 2 पीस, एक का रेट 135 रुपये है। तो अब उसके बाद में हमारे पास जो लेजर हमने क्रिएट किया था परचेज के वक्त भी, कंप्यूटर पार्ट GST 18%, IGST यानी कि आउट ऑफ स्टेट के हमारे पास परचेज है। तो अगर आप इसी परचेज वाउचर के अगेंस्ट में एडजस्ट करना चाहोगे तो आप यहाँ पर भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो अदरवाइज हम इसका एक परचेज रिटर्न का अलग से भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अलग से लेजर क्रिएट करने में और एक कॉमन लेजर क्रिएट करने में क्या डिफरेंस है तो वो हम एंट्री करने के बाद आपको पता चलेगा। तो आप वीडियो का पूरा एंड तक देखना, सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर एक परचेज रिटर्न का अलग से लेजर क्रिएट कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने बना दिया यहाँ पे कंप्यूटर पार्ट्स GST 18% परचेज रिटर्न और ये अंडर में रहेगा परचेज काउंट और उसके बाद में GST इसके ऊपर एप्लीकेबल रहेगी और ये सेट GST डिटेल इसको हम यहाँ पर कर देंगे यस। और उसके बाद भी जो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है इसमें हम यहाँ पर डालेंगे इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल और उसके बाद में GST रेट इसका 18% का है और टाइप ऑफ सप्लाईज को करेंगे हम यहाँ पे गुड्स। और उसके बाद में जो सेकंड आइटम है कीबोर्ड विद वायर, क्वांटिटीज की 6 पीस है, 345 रुपये का
और यहाँ पर भी हम इसको परचेज रिटर्न में ही डालेंगे। और उसके बाद में आईजीएसटी टैक्स। तो अब आईजीएसटी टैक्स, ये आपके पास वही आईजीएसटी टैक्स आया जो हमने परचेज एंट्री करते वक्त यहाँ पर सिलेक्ट किया था। तो अगर आप अपनी अकाउंटिंग को और ज़्यादा इजी बनाना चाहते हो, आप चाहते हो भी हमने परचेज और सेल का जो आईजीएसटी टैक्स है या फिर सीजीएसटी एसजीएसटी टैक्स है उसको आप अलग सेपरेट रखना चाहते हो, और आपने कोई परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न के अगेंस्ट में अगर आपने कोई रिवर्स है टैक्स आपका हुआ है, अगर उसकी डिटेल अगर आप अलग से रखना चाहते हो, तो यहाँ पर हम एक आईजीएसटी टैक्स का रिवर्स के नाम से अलग भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो हम एल्ट सी से करेंगे। इसका अकाउंटिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी हम देखेंगे। तो आईजीएसटी टैक्स यहाँ पर हम डाल देंगे रिवर्स, ताकि हमें पता चल जाए। और ये रहेगा अंडर में ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी सेलेक्ट करेंगे, इंटीग्रेटेड सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये 421 रुपये और 20 पैसे का, और बाकी हम राउंड ऑफ कर देंगे 20 पैसे को, -20। तो इस तरीके से ये 2761 रुपये का ये अमाउंट है जो वैल्यू बन गई है, जो कि हमारे इनवॉइस के अंदर भी ये 2761 रुपये ही है। अब बात आती है भी हमारा जो सप्लायर्स का जो क्रेडिट नोट हमें मिला था उसका जो क्रेडिट नोट का जो नंबर है ये हमें कहाँ डालना होगा। SR001 जो हमें मिला है उसकी एंट्री जब हम करेंगे, प्रोवाइड जीएसटी डिटेल करेंगे, इस पर जब हम यस करेंगे तो यहाँ पर हमें रीजन इशू ऑफ नोट्स, इसको यहाँ पर हम डालेंगे अदर्स में। और उसके बाद में सप्लायर्स का जो क्रेडिट नोट या डेबिट नोट नंबर है वो हमें यहाँ पर डालना है, उसका नंबर SR001 ये वाला। और उसके बाद में इसकी जो डेट है वो 26 अगस्त की है, और इस वाउचर को हम कर देंगे सेव। आप एडजस्ट करना चाहते हो उस परचेज के अगेंस्ट में तो आप वो भी यहाँ पर एडजस्टमेंट कर सकते हो, और इस वाउचर को हम करेंगे एक्सेप्ट। तो अब हमारी जो परचेज रिटर्न की जो डिटेल है, परचेज और परचेज रिटर्न की डिटेल अलग अलग हमें देखनी हो, तो हम इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर जाएंगे और एल्ट F1 के साथ डिटेल ओपन करेंगे, तो वो डिटेल्स आपको सारी यहाँ पर पता चल जाएगी। भी आपने कंप्यूटर GST 12% 18% की जो परचेज करी है वो 41,250 की करी है, और कंप्यूटर पार्ट GST 18% की जो परचेज रिटर्न है वो 2340 रुपये की है। तो यानी कि आपकी जो नेट परचेज है वो 38,910 रुपये की रहेगी है। तो अगर हम एक कॉमन लेजर ही क्रिएट करते हैं, जैसे कि हमने ये लेजर अभी क्रिएट किया था, अगर इसके दौरान अगर हमें इसका जो हमारी परचेज है उसी के अंदर अगर हम यहाँ पे इसको इंटरप्रेस कर देंगे तो इसका इफेक्ट क्या आएगा वो हम एक बार एंट्री करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। तो अब आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी जो नेट परचेज है वो आपको 38,910 रुपये ही शो करेगा, यानी कि नेट अमाउंट ही शो करेगा। अगर इस पर इंटरप्रेस करेंगे तब हमें जाके पता चलेगा कि हमारी जो रियल्टी की जो परचेज है वो 41,250 रुपये की है, जिसमें ये 2340 रुपये का रिटर्न हुआ है। तो हमें परचेज लेजर के अंदर जाके इसको अच्छी तरीके से चेक करना पड़ेगा, और अदरवाइज़ अगर हम इसको परचेज रिटर्न का अगर हमने लेजर अलग से क्रिएट कर दिया है तो इसमें होगा क्या भी हमारे को जो परचेज और परचेज रिटर्न है उस दोनों को अलग अलग शो हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से अलग अलग आपको मतलब कि यानी कि आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डैशबोर्ड है उसी के ऊपर आपको मेन पेज के ऊपर भी अलग अलग ये शो हो जाएगा। अब बात आती है हमारे पास जो हमने आईजीएसटी रिवर्स का जो हमने लेजर क्रिएट किया था उसका इफेक्ट हमें कहाँ देखने को मिलेगा। बैलेंस शीट पर हम जाएंगे, Alt F1 के साथ डिटेल ओपन करेंगे और ड्यूटीज एंड टैक्सेस को ओपन करेंगे। तो इसमें आपको ये पता चल जाएगा भी आईजीएसटी टैक्स यानी कि आपका इनपुट का जो टैक्स है 7425 रुपये है, जिसके अंदर आपने 421 रुपये और 20 पैसे का रिवर्स आपका आईजीएसटी टैक्स हुआ है। अगर हम एक कॉमन लेजर एक क्रिएट कर लेते तो ये 421 रुपये 20 पैसे की जो अमाउंट है ये इस 7425 रुपये के अंदर है जो एडजस्ट हो जाती। तो दोस्तों आई होप कि आपको परचेज रिटर्न के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक देके जरूर जाना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।